हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो बिल्कुल आज भी एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं। तो आए हैं तो ज़रूर बिल्कुल कुछ ना कुछ सीख के जाइए। कौन सा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? तो बिल्कुल आज पंप के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। पंप के ऊपर बात करने वाले हैं और कंडीशन ऑफ स्टार्टिंग पंप, जब पंप को स्टार्ट किया जाता है तो क्या क्या कंडीशन वहाँ पर हम लोग कंसिडर करें। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं आज, ठीक है। What happens when pump is started with delivery valve closed? ठीक है, तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और एक्सियल पंप, तीनों पंप का कंडीशन देखेंगे कि किस तरीके से वो स्टार्ट किया जाता है, तो डिलीवरी वाल्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको क्लोज करके स्टार्ट किया जाता है या ओपन करके स्टार्ट किया जाता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और इमेज के साथ भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। जब इसके डिलीवरी वाल्व को बंद करके इस पंप को स्टार्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन इस बार NPCL के इंटरव्यू में पूछ दिया गया था। तो बिल्कुल आज बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, और कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल घबराए बिना उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा आगे, तो आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिलीवरी वाल्व को हम लोग क्लोज करके चालू करते हैं पंप को, मतलब स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन समझिए। देखिए, जैसे ही पंप को हम लोग मेंटेनेंस करने के बाद वर्कशॉप से लेकर के पंप हाउस में जाते हैं और इसको पंप के फाउंडेशन के ऊपर सेटअप कर दिया जाता है, जिसके बाद इसको स्टार्ट किया जाता है, और स्टार्ट करते समय डिलीवरी वाल्व या फिर डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज करके रखा जाता है, ठीक है। डिलीवरी वाल्व को क्लोज करके रखा जाता है, इसका रीज़न क्या है, देखिए जैसे ही पंप हम लोगों ने मेंटेनेंस किया तो पंप प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, जितना हमको प्रेशर चाहिए उतना वो डेवलप कर पाएगा या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ को जांच करने के लिए हम लोग वाल्व को बंद करके पंप को स्टार्ट करते हैं, और जब भी पंप हम मेंटेनेंस करते हैं तो उसका मैनुअल हमारे पास होता है। उस मैनुअल के अंदर हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है कि इस पंप का डिलीवरी प्रेशर कितना है, शॉर्ट ऑफ प्रेशर कितना है, ठीक है। अभी मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा, तब घबराइए नहीं, ठीक है ना। डिलीवरी प्रेशर कितना है, शॉर्ट ऑफ प्रेशर कितना है, ठीक है, और चर्निंग एक किस तरीके से होगा, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट ऑफ प्रेशर। शॉर्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, जब पंप के वाल्व को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाता है, पंप के वाल्व को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाता है और इसको रेगुलरली ऑपरेट करते रहते हैं, मतलब चलाते रहते हैं, ठीक है। तो एक सर्टेन प्रेशर ये अटेन करता है, एक सर्टेन प्रेशर ये पंप अटेन करता है। जैसे मान लिया कि 10 बार ये अटेन कर गया, ठीक है, 10 बार। अब इस प्रेशर के बाद इतना ही हम लोगों को, मतलब 10 बार सर्ट ऑफ प्रेशर हमारा लिखा हुआ था मैनुअल के अंदर, तो मतलब कि पंप 10 बार से ज़्यादा प्रेशर अब डेवलप नहीं कर सकता है किसी भी सूरत में, किसी भी कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 बार, और हर एक पंप का याद रखिए सेट ऑफ प्रेशर अलग अलग होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे 10 बार लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 10 बार, अब इससे ज़्यादा पंप डिस्चार्ज प्रेशर में मतलब डेवलप नहीं कर सकता है। अब अगर 10 बार डिस्चार्ज प्रेशर मेंटेन कर लिया, सेट ऑफ प्रेशर मेंटेन कर लिया, कब, किस कंडीशन में, जब वाल्व फुल्ली क्लोज है तब। अब 10 बार प्रेशर अटेन कर लिया, इसके बाद भी पंप को हम लोग रेगुलरली अगर चलाते रहते हैं तो क्या होता है, ये पंप अब तो डिस्चार्ज मतलब डिलीवरी प्रेशर उतना डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो वही फ्लूड बार बार इस केसिंग के अंदर घूमते रहेगा। इस फ्लूड को घूमने के कारण क्या होगा, इस फ्लूड का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक ही जगह बार बार रोटेट कर रहा है, और सक्शन भी बाहर से, इधर से फ्लूड भी नहीं आ रहा है, अब यहीं पे सारा रोटेट कर रहा है। तो इस सर्टेन टेम्परेचर इंक्रीज होने की फेनोमेना जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि चर्निंग इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। और लगातार हम लोग चलाते रहें, टेम्परेचर अगर मान लें कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इस पंप का, बट हम लोग अगर रेगुलरली चलाते रहें तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर डेवलप कर देगा, जिसकी वजह से आपका मैकेनिकल सील जो लगा रहता है
वो फेल हो सकता है, ठीक है, बियरिंग जो लगा होता है वो फेल हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन के कारण आपका जो बियरिंग भी लगा होता है वो भी फेल कर सकता है, फाउंडेशन के अंदर इंटरनल स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है, ये सारा रीज़न हो सकता है। इसलिए जैसे ही शॉर्ट ऑफ प्रेशर अटेन करता है ना, उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज वाल्व को स्लोली स्लोली ओपन कर देते हैं। जैसे ही स्लोली स्लोली ओपन करते हैं तो पंप हमारा डिस्चार्ज देने लगता है बाहर की ओर, और ये जब डिस्चार्ज देने लगता है तो आप कुछ देर बाद देखेंगे तो जो शॉर्ट ऑफ प्रेशर आपका 10 बार था ना, इससे कम प्रेशर पे ही फ्लूड को बाहर की ओर फेंकना शुरू कर दिया, बाहर की ओर डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ है, आपको चर्निंग समझ आया होगा, कोई दिक्कत किसी पॉइंट में होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बाद में फिर से बता दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। बट यही कंडीशन रहता है, ठीक है, इसको वाल्व को क्लोज करने के पीछे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वाल्व को ओपन कर दें, ठीक है, तो ओपन करने से क्या होगा, इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर हवा बचा है, इनिशियल कंडीशन में हवा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्राइमिंग भी कर दिए हैं, मतलब इसके अंदर पानी भी, एक लेवल तक पानी भी इसके अंदर भर दिए हैं, प्राइमिंग कर दिए हैं, या फिर जो भी सर्विस फ्लूड है उसको इसके अंदर भर दिए हैं, ठीक है, डाल दिए हैं, तब भी ये उसी फ्लूड को रोटेट करवाता रहेगा, और कोई भी सक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को जब भी आप अगर स्टार्ट करते हैं तो इसको वाल्व को क्लोज करिए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आप क्लोज करके चलाते हैं, प्राइमिंग ऑलरेडी किया हुआ है, तो धीरे धीरे सक करते हैं, मतलब फ्लूड को आगे भेजता है धीरे धीरे करके एक सक्शन क्रिएट कर लेता है, और उसके बाद पंप को ईजिली बाहर की ओर डिलीवर कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं, क्या क्या पॉइंट इसमें आता है जब अगर हम लोग वाल्व को क्लोज करके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल पंप किस तरीके का पंप है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, निगेटिव और पॉजिटिव किसके ऊपर डिफाइन होता है, तो जैसे ही अगर पंप मान लेते हैं कि एक पंप है, ठीक है, यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा है, तो जैसे ही फ्लूड यहाँ से बाहर गया ये वापस नहीं आ रहा है, अगर पंप में केसिंग के अंदर वापस नहीं आ रहा है, थोड़ा भी नहीं, वाल्व के जो यहाँ पे वाल्व लगा रहता है, ठीक है, इससे थोड़ा भी अंदर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। लेकिन अगर यहाँ से जैसे डिस्चार्ज हुआ वापस थोड़ा सा आ गया अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर इसका मतलब कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो सेंट्रीफ्यूगल हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, ठीक है, जैसे ही बाहर जाएगा तो फ्लूड वापस आ सकता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नो एनी डिस्चार्ज विथ एयर, दैट मीन्स इसका मतलब समझिए कि हमारा पंप है, इसके अंदर सिर्फ एयर भरा हुआ है, कोई भी फ्लूड का प्राइमिंग नहीं किया हुआ है, तो ये अगर इसको आप रोटेट करवा दें, चला दें पंप को, कितना भी देर तक चलाते रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डिस्चार्ज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमिंग मस्ट बी नीडेड, इसलिए प्राइमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है अगर पंप को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो, ठीक है। प्राइमिंग मतलब क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूड इस पंप के अंदर आप भर दें, मतलब इसके सेंटर से सेंटर लेवल तक आप फ्लूड इसके अंदर डाल दें, तो दैट मीन्स इसको हम लोग प्राइमिंग बोलते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइमिंग पानी से ही होगा, वाटर से ही होगा, नहीं, पंप जिस फ्लूड का पंपिंग कर रहा है उसी को यहाँ पर हम लोग डालते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, स्टार्ट विथ फुल्ली क्लोज वाल्व, ये तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई और पॉइंट हो तो। हाँ, वाल्व क्लोज अप टू शट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल मैंने बताया कि जब तक शट ऑफ प्रेशर अटेन नहीं हो जाए तब तक वाल्व को क्लोज करके रखते हैं, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। जब अगर शट ऑफ प्रेशर अटेन कर जाए तो चर्निंग फेनोमेना होने शुरू हो जाते हैं, अगर वाल्व को फिर भी बंद करके रखते हैं तो, ठीक है। और जैसे ही आप उस फेनोमेना को नहीं होने देना चाहते हैं तो वाल्व को आप स्लोली स्लोली ओपन कर दीजिए, क्लोज था तो उसको ओपन कर दीजिए, ठीक है, और फ्लूड डिस्चार्ज होने लगेगा। तो क्या होगा, डिस्चार्ज प्रेशर इज लेस देन शट ऑफ प्रेशर, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ देर तक अगर पंप चलाएंगे तो जैसे ही फ्लूड को बाहर फेंक देगा उसके बाद जो डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, डिस्चार्ज प्रेशर, डीपी का मतलब यहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर समझिएगा, और शट ऑफ प्रेशर से हमेशा हमेशा कम ही रहता है। तो अब चलते आगे हैं, देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, सबसे पहले तो एक इसमें दोनों तरफ वाल्व लगा होगा और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, दैट मीन्स एक बार फ्लूड बाहर जाएगा
वापस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक वाल्व लगा हुआ है। चेक वाल्व मतलब वन डायरेक्शन वाल्व होता है, एक बार बाहर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अगर सोचिए इसके अंदर इनकम्प्रेसेबल फ्लूड है, इसके अंदर इनकम्प्रेसेबल फ्लूड है और इसको आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसके वाल्व को क्लोज कर दे रहे हैं, इसके वाल्व को आप क्लोज कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, तो क्लोज करने से क्या होगा, इसके अंदर फ्लूड जो आया उसको आप कंप्रेस ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये इनकम्प्रेसेबल है तो ये पंप फट सकता है, बिल्कुल ब्रस्ट कर जाएगा बड़े भयंकर तरीके से, ठीक है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए जब भी रेसिप्रोकेटिंग पंप को स्टार्ट करते हैं तो इसके वाल्व को फुल्ली ओपन रखते हैं, बिल्कुल भी क्लोज नहीं रखते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसा सेट ऑफ प्रेशर और ये सब चीज़ें जो आता है इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, इसमें कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमेशा इसके वाल्व को ओपन रखना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट कंसिडर होते हैं आपको मैं आगे बताता हूँ। देखिए एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। नो एनी डिस्चार्ज विथ एयर बट पंप ट्राई टू क्रिएट सक्शन एंड फाइनली अचीव इट। ये पंप बार बार इसको सक्शन करने की कोशिश करेगा और फाइनली अचीव कर लेगा भी, ठीक है। बिल्कुल कोई पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी चर्निंग नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें कोई भी चर्निंग नहीं होगा। और क्या होता है, स्टार्ट विथ फुल्ली ओपन डिलीवरी वाल्व, वाल्व को पूरा ओपन करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लोज कंडीशन काउज ऑफ ब्रस्टिंग, मैंने आपको बताया कि इसमें ब्रस्टिंग का चांस रहता है। और इसमें एक चीज़ और, चर्निंग फेनोमेना इसमें नहीं होता है। तो मेनली आपको पूछेगा ना तो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही बताइए, उसमें सारा चीज़ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या होता है, कांस्टेंट डिस्चार्ज प्रेशर मेंटेन। अब सोचिए आप सिंपल सोच सकते हैं कि एक इस तरीके का सिलेंडर है, इसमें आप पिस्टन से, इसमें पिस्टन की मदद से इसको आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो जब भी एयर रेसिप्रोकेट करेगा पंप का जो पिस्टन है, जब भी एयर रेसिप्रोकेट करेगा तो एक सर्टेन अमाउंट ही एयर रेसिप्रोकेट कर पाएगा ना। यहाँ पे इनकम्प्रेसेबल फ्लूड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपने देखा कि वहाँ पे जैसे आप वाल्व को ओपन कर देंगे तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ अंतर है। तब देखते हैं एक्सियल पंप, इसमें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, इसको जब भी स्टार्ट करते हैं तो इसका भी वाल्व ओपन ही रहता है। क्यों, इसमें एक्चुअली एक्सियल पंप यूज़ करने का कारण होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में फ्लूड हम यहाँ से बाहर भेज सकें, और प्रेशर कितना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलना चाहिए, प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स कि इसमें एक तरह से फ्लूड आया और वापस चला गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेशर का, जब प्रेशर का ही तो मामला था जिसमें हम लोग क्या किए थे कि वाल्व को क्लोज करके स्टार्ट किए थे। सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर वाल्व को ओपन करके स्टार्ट कर दिया जाए तो कोई प्रेशर हेड डेवलप ही नहीं कर पाएगा, और एक तो प्रेशर हेड भी नहीं डेवलप कर पाएगा और डिस्चार्ज भी हमारा उतना ज़्यादा नहीं दे पाएगा जितना कि एक्सियल पंप देता है। तो उस जगह पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक एक पॉइंट समझ लेते हैं क्या है। तो यह भी एक तरीके का निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, जो भी पंप फ्लूड बाहर जाएगा पंप से वो वापस भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट विथ फुल्ली ओपन डिलीवरी वाल्व, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो नीड टू मेंटेन सर्टेन प्रेशर, इसमें भी कोई सर्टेन प्रेशर मेंटेन करें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। हमको सिर्फ डिस्चार्ज से मतलब रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नो एनी चर्निंग फेनोमेना अकर्स, इसमें भी कोई भी चर्निंग फेनोमेना, चर्निंग एक्चुअली होता क्या है, फ्लूड एक ही जगह तक घूमते रहे तब चर्निंग होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट था, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।